अच्छा तो नहीं लगा होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का प्यार सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन मेरा काम तो है दोस्तों आप लोग को आगाह करना वीडियो के माध्यम से। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दत्त, मैं आज आपको जैसे ही छोटा छोटा ब्लॉग वीडियो बनाता रहा दोस्तों, ताज स्पेशली आगे अपने खेत की ओर, क्योंकि दोस्तों अभी दो तीन दिन से लगातार पानी गिरा दोस्तों, दो तीन दिन तो नहीं ज़्यादा ही दिन हो जा रहा दोस्तों, लगातार पानी गिरा है और मेरे खेत तैयार आ गया दोस्तों, कि मेरे खेत का जो सिचुएशन है पानी भरने वाला सिचुएशन वो कितना ज़्यादा है, उस चीज़ को देखने के लिए दोस्तों आ गया हूँ। और इधर जो हमारे खेत सबका टपाटप वाला माहौल है, बोले तो पानी भरने वाला माहौल है, उस चीज़ को देखने के लिए स्पेशली, माहौल तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, कंडीशन जो हमारे खेत में पानी भरने वाला कंडीशन है, उस कंडीशन को देखने के लिए स्पेशली आ गया हूँ, आपको दिखाने के लिए भी आ गया हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं जिस चीज़ को देखता हूँ उस चीज़ को दिखा रहा हूँ, और अभी दोस्तों किस समय से ब्लॉग एकदम कंटिन्यू नहीं बना पा रहा बिल्कुल भी, तो उसके लिए भी सॉरी है। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ तो रोज़ दिन ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन दोस्तों मौसम के साथ नहीं देता है दोस्तों, और जो लोग बाग हैं वो भी साथ देते हैं, तो अभी उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगा दोस्तों एक ब्लॉग में। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग बन रहे, देखते रहिए आज का जो कंडीशन है पानी गिरा वाला वो कैसा है मेरे खेत सबका, उस कंडीशन को दिखाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग बन रहे, देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मेरे खेत जाते हैं जहाँ पर, वहाँ पास मैं फाइनल पहुँच चुका हूँ और ड्रोन शूट कर दूंगा, सोच रहा था दोस्तों थोड़ा सा मौसम ख़राब है और दोस्तों पानी भी थोड़ा सा रुका है, लेकिन कब गिर जाए दोस्तों अभी के कंडीशन में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए पेड़ पौधा टूट के गिरा है दोस्तों, अक्सर आजकल अभी घर और में गिरने वाला कंडीशन हुआ है, बहुत लोग के घर में भी गिरा है, मेरे घर में भी गिरा था। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस हर चीज़ को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि दोस्तों नुकसान तो नुकसान होता है अपने जगह में ही। तो फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोग दिखाता हूँ खेत वेत का काम वगैरह। दोस्तों काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, क्योंकि दोस्तों पानी भी एक आध दिन ऐसे नहीं हो रहा जिस दिन रोके, तो दोस्तों सबके रोपा रोपने के मूड में ही हैं और लेवा करके बीड़ा उड़ा लगा रहे हैं और पूरा खेत वेत को जोतात को बराबर कर दिए हैं दोस्तों। मेरे खेत साइड का कंडीशन परिस्थिति ये है दोस्तों, खेत जोताई का प्रोसेस ये दोस्तों उस ट्रैक्टर के माध्यम से किया गया है। और मैं दोस्तों अपने खेत को देखूंगा और दिखाऊंगा कि पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है। रास्ता दोस्तों ऐसा है कि अगर हम अच्छे से ना चलें तो फिसल के गिर सकते हैं, और मैं गिरना नहीं चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों मोबाइल देते हो पकड़ा हूँ और 50 रुपये जेब में है, ज़्यादा नहीं है। वाह, पानी रहता है दोस्तों तो उसमें चप्पल पहन कर नहीं चलना चाहिए, पिछवाड़ों में छिटक जाता है। और इसमें पानी भरा हुआ है, अगर पैर पीतर से कादर कीचड़ से समेट चुका है, बोले तो लपटा गया है। और मैं आगे बढ़ाऊँ धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों जोर जोर से चलूँगा तो मेरे पिछवाड़ों में छीटा मारेगा और मारे ही रहा हल्का फुल्का। ये है दोस्तों मेरे खेत जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ता कंडीशन इधर जो साफ पानी है, क्योंकि इधर का ऊपर का खेत दोस्तों जोताया नहीं है अभी तक, इसलिए इधर पानी साफ है अभी तक। ये देखिए दोस्तों इधर का रास्ता मेरे पिछाड़ा भी जा रहा है, ऐसा लग रहा है कादर कीचड़ से भी, और भी बहुत सारे
चीजें ऐसी हैं जिससे पिछवाड़ा मेरा गीला हो जा रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं अभी आगे बढ़ता हूँ मेरा खेत में। तो दोस्तों इस बार खेती बाड़ी कुछ भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि दोस्तों पानी ऐसे आया है कि खेती बाड़ी करने का मौका ही नहीं दिया मेरे को बिल्कुल भी। यार दोस्तों पानी भरा हुआ देखिए मेरे खेतों में, मेरे खेतों में तो नहीं लेकिन मेरे खेत तक पहुंच चुका हूं। अब फाइनली दिखाने वाला हूं मेरे खेत का जो कंडीशन है उस कंडीशन। मेरे खेत साइड भी दोस्तों कोई ट्रैक्टर वगैरह से जोतवा रहा है। यह दोस्तों मेरा खेत जिसमें पानी भरा हुआ है लगातार दोस्तों अभी 2-4 दिन से पानी गिर रहा है। उसकी वजह से दोस्तों किसान भाई बंधुओं को भी बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है कि दोस्तों खेती बाड़ी करने के लिए खेत को जोत पाए करके बिल्कुल भी अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि किसान बंधु खुश रहे हैं कि दोस्तों खुश रहने का वजह ही नहीं मिल पा रहा है मौसम की वजह से। लेवा करके बिला भी करने के लिए असमर्थ है और खेत खेती बाड़ी को जोत जात के घास मरे हसल सीन करें सोच के भी खुश नहीं है क्योंकि दोस्तों खेती बाड़ी करने का मौका ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। यानी दोस्तों थोड़ा सा अपना जो निजी वर्क होता है वो वर्क करने के बाद फाइनली ब्लॉग स्टार्ट कर चुका हूँ। और ये दोस्तों मेरा खेत कंडीशन पूरे घास भरा हुआ है लबलब आते हुए। और ऐसे में खेती बाड़ी करना दोस्तों रोपा लगाना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर होता है। और पानी दोस्तों यहाँ तक भर गया था मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि दोस्तों जो कचड़ा वगैरह है वो यहाँ तक ले आया है। और इधर दोस्तों मेरा दूसरा खेत ये है, पहला खेत जो लंबा खेत है ये दोस्तों देखिए दूसरा खेत, और दोस्तों तीसरा खेत पानी तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और आज दोस्तों ज़्यादा ही आ रहा है। काश में खेती बाड़ी किया रहता तो मज़ा आता दोस्तों, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा तो खेती बाड़ी करने का ऑप्शन ही नहीं बन पाया बिल्कुल भी। लो दोस्तों देखता हूँ मेरा मूड़ा कैसे है कंडीशन। लो लब लब लो ये दोस्तों मेरा मूड़ा, नांदा मूड़ा जिसे कहते हैं लोग, मेरे दादा का नाम पपड़ा हुआ है ये मूड़ा का नाम स्वर्गीय नांदा मुड़ा। मेरे दादाजी को दोस्तों मैं तो देखा नहीं था लेकिन मैं उनके नाम से वाकिफ हूँ इसलिए दोस्तों आप लोग को परिचित करा दे रहा हूँ कि इस मुड़ा का नाम है नांदा मुड़ा। और अपन दोस्तों इतना ज़्यादा भरा देखिए, खेती बाड़ी दोस्तों लगभग लगभग किस साइड भी नहीं किया हुआ है, वहाँ पर किया जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। पूरा मर्चा दिखा रहा दोस्तों पूरी तरफ मर्चा मर्चा, जिसमें दोस्तों खेती बाड़ी नहीं किया जाता है उसी खेत को बोलते हैं मर्चा। और वहीला कंडीशन है एकदम टपाट भरा है दोस्तों। इधर पान देखिए क्योंकि दोस्तों पानी गिरता है और कम होता है तो पूरी तरह से खेत में भरा रहता है, उस कंडीशन को देखते हैं ड्रोन के माध्यम से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसे है कि पानी गिर रहा है छोड़ रहा है गिर रहा है छोड़ रहा है, उसकी वजह से दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ड्रोन चेक करूँगा तो यहाँ पास का जो व्यू है देखने को मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को अंत करता हूँ क्योंकि दोस्तों खेत को देखने आया था देख लिया और अब दोस्तों घर निकलता हूँ क्योंकि दोस्तों अपने स्कूटी में आया हूँ जहाँ पर खड़ा किया हूँ वापस खड़ा ही है स्कूटी। अभी दोस्तों अपने घर की ओर निकलता हूँ क्योंकि जो इधर का कंडीशन है उस कंडीशन उस परिस्थिति को दिखा दिया। यहाँ दोस्तों आना जाना लोगों का रास्ता इसलिए ये दोस्तों रास्ता के भांति बन गया है। और मैं दोस्तों अभी
खेत का काम नहीं करा पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर कराऊंगा, जिससे कि मैं मुझे फसल अच्छा मिले। तो फिलहाल दोस्तों अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा तो नहीं लगा होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का प्यार सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा इस वीडियो में, लेकिन मेरा काम तो है दोस्तों आप लोग को आगाह करना वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल दोस्तों मैं अपने खेत से आया था, और मेरे खेत में दोस्तों इस बार मैं खेती बाड़ी नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मौसम वगैरह साथ ही दिया और हमारे घर के जो मेम्बर हैं उनका भी साथ वगैरह बिल्कुल नहीं मिला था। तो फिलहाल दोस्तों अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।